और अब आप लेटर बम की कर लेते हैं, जिस वजह से सांसद में आ गई है उद्धव सरकार और बीजेपी ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चे पर उतरे, सीधे शरद पवार को निशाने पर लिया। उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई, शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था या शरद पवार का भी दबाव था? व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है बड़े नेता हैं लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की? उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना, और उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन बाय एन आउटसाइड एजेंसी इज इंपोर्टेंट। तो उधर सरकार को मुश्किलों में देखकर राज ठाकरे मोर्चे पर कूदे, एमएनएस ने देशमुख का इस्तीफा मांग लिया। देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, इनिशिएटिव नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। सर मुख्यमंत्री का अब तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया, नहीं तो अभी तक पता नहीं चला है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को निकाला गया। कुछ तो कारण चाहिए ना कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उस बम कांड में कुछ उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको उनका ट्रांसफर किया। ट्रांसफर क्यों किया? इन पॉलिटिशियंस ने यह हालत कर दी है कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे, और इसलिए मुझे केंद्र सरकार से मेरी विनती है कि वो कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करे, और अगर ये नहीं हुआ तो लोगों का प्रशासन सरकार इन सारी चीजों के ऊपर से विश्वास उठ जाए। ये पूरा ये जो प्रकरण है वो आप कहीं और मत लेके जाइए। मुझे लगता है कि बम की गाड़ी किसने रखने के लिए कहा, वहां पे रखने के लिए गई है, वो मुझे लगता है बाहर आना चाहिए। बस सीधा चलेंगे विद्या, मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, एक तरफ जहां अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही क्षण पहले ये भी खबरें आ रही थी कि अंदरूनी कुछ बदलाव संभव हो सकते हैं, संजय राउत ने कहीं ना कहीं इशारा भी किया है। बिल्कुल, यही वजह है कि संजय राउत और जयंत पाटिल और अजीत पवार तीनों के तीनों इस वक्त रस्ते में हैं, वो जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली जैसे ही पहुंचेंगे शरद पवार के साथ मीटिंग होगी। देखिए, डैमेज कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आप देख लीजिए जहां रविशंकर प्रसाद एक तरफ कह रहे हैं ऑपरेशन लूट इसे, वहीं देवेंद्र फडणवीस अगले एक घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं नागपुर में, और वो भी इसी तरह से जो पिछले कई दिनों से वो एक के बाद हमले बोल रहे थे सरकार के ऊपर, उनका भी कड़ा रुख दिखने वाला है 2 बजे। तो जाहिर सी बात है कि जहां बीजेपी सड़कों पर उतर गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले रही है, तो जाहिर सी बात है सरकार को अपने बचाव में कुछ ना कुछ कदम उठाने ही पड़ेंगे, और इसका शायद हो सकता है शाम तक हमें पता चल जाए कि आखिर क्या रुख है। लेकिन याद रखें, कुछ समय पहले तक जब तक एंटीलिया मामला उतना ज्यादा रुख नहीं पकड़ा था, तब तक परमवीर सिंह को हटाने के बाद भी शरद पवार अपने होम मिनिस्टर के साथ खड़े दिखे थे। अब भी वो खड़े दिखे नजर आएंगे या उनको जाने को कहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, और ये शाम तक में इस पूरे लेकिन जयंत पाटिल कह चुके हैं कि इस्तीफे की जरूरत नहीं। विद्या, नजर आप बना रहे कि हम लौटेंगे आपके पास फिलहाल।
तो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेरे हुए है। अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर लगातार मांग हो रही है, सड़कों पर है, अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि आज शाम को शरद पवार के घर एक बहुत बड़ी और अहम बैठक होने वाली है, जिसमें अजीत पवार, जयंत पाटिल और संजय राउत मौजूद रहेंगे। इस बीच संजय राउत पहले इशारा कर चुके हैं कि संयम बरतने की जरूरत है पहली बात, और दूसरा कुछ अंदरूनी बदलाव हो सकते हैं। हालांकि जयंत पाटिल कह रहे हैं कि इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस बीच लगातार हमलावर बीजेपी, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की रविशंकर प्रसाद ने। खबर अब यह है कि 2 बजे देवेंद्र फडणवीस भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नागपुर में कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।